सोलन के कंडा घाट में एक अज्ञात वाहन ने युवक को पूरी तरह से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक क्यारी घाट में किसी ढाबे में काम करता था, जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त वो छुट्टी कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मृतक की पहचान शिलाई निवासी 26 वर्षीय कपिल के रूप में हुई है। सोलन के कंडा घाट में बीती रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने व्यक्ति का सर पूरी तरह से कुचल दिया। मृतक की पहचान शिलाई निवासी 26 वर्षीय कपिल के रूप में हुई है। यह हादसा उस समय हुआ जब मृतक ढाबे से छुट्टी कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। घटना को अंजाम देने वाले वाहन की तलाश में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था और वो अपने पीछे माता पिता, पत्नी और 3 बच्चे छोड़ गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि कंडा घाट के समीप क्यारी घाट में कपिल ढाबे में काम करता था और बीती रात वे ढाबे से छुट्टी कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी सड़क किनारे किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये लड़का वहां पर कपिल जो है ढाबे में काम करता था और लगभग रात 1 बजे ये ड्यूटी से फ्री हुआ, उसके बाद ये अपने रूम पे जाने लगा। इसी बीच में ये इसके साथ हादसा हुआ। कोई अननोन ट्रक या कोई भी जो गाड़ी रही होगी जिसने इसको हिट किया है, जिसके साथ ही इसकी डेथ हो गई। घर पे इसके बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता है, भाई बहन है और ये एक परिवार का एक भाई भी है, पर भाई भी अकेला पड़ गया, कमाने वाला यही एक लड़का था, जिस कारण से परिवार के ऊपर भी आर्थिक संकट आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।